हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके एमसीक्यू। कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, मैं दुआ करता हूं कि आप सब में से मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं और जितने भी इस दुनिया के लोग हैं, कम से बहुत लोग जो भी ग्रसित जो है कोरोना वायरस से ग्रसित ना हो, और इसके लिए आप लोगों को सबसे पहले सेफ्टी की जरूरत है। तो सेफ्टी के लिए आप लोग अपना सेफ्टी पर ध्यान रखें और वो WHO की गाइडलाइंस को, सिर्फ WHO की गाइडलाइंस को फॉलो करें। बाद बाकी किसी के भी गाइडलाइंस पर उतना ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। एलोपैथिक का इलाज आ गया, आपको व्हाट्सएप मैसेज फॉरवर्डेड मैसेज पर नहीं ध्यान देना है, सिर्फ WHO की गाइडलाइंस, किसकी? WHO की, चाहे वो YouTube पे भी दी गई है आप लोगों को, और क्या कहता है वो WHO की वेबसाइट है, सिर्फ इसी की गाइडलाइंस को आप लोग को फॉलो करना है। इसकी कुछ तीन चार गाइडलाइंस है, आप लोग को तीन चार गाइडलाइंस को मात्र फॉलो करना है और ज़्यादा नहीं है। किसी के ज़्यादा भीड़ भाड़ के इलाकों में तो सबसे पहले जाने से बचना है। मैं आप लोग को इस पर बकवास नहीं कर रहा हूँ, मैं आप लोग को इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी देता हूँ ताकि मेरे जो भी मेरे कॉन्टैक्ट में वो लोग सेफ रह सकें और सेफ्टी रह सके, ठीक है? तो आप लोग को ज़्यादा भीड़ भाड़, शादी विवाह, जितना भी सामूहिक कार्यक्रम होता है, सबको अवॉइड करना है, क्योंकि एक दूसरे के संपर्क में आने से ये बीमारी आसपास फैल रही है। यदि मान लीजिए किसी को छींक होती है और आप उससे एक मीटर के डिस्टेंस पर खड़े हैं, तो आपको छींक के द्वारा वो वायरस आपके अंदर शरीर के आ सकता है, ठीक है? तो आप लोग को इसे बचना है, ठीक है? इसे बच के रहना है और थोड़ा सा इसे दूरी बना के रखना है, ठीक है? तो इसलिए ज़्यादा शादी विवाह समारोह को भी अवॉइड करना है। सरकार ने भी, बिहार सरकार ने सब जगह सब कुछ बंद कर दिए हैं, तो जैसे भी इस यूनिवर्सिटी है, हमारे जितने सारे एग्जाम्स हो रहे हैं, हमें बहुत सारी मान लीजिए तकलीफ भी उठानी पड़ रही है, क्योंकि एग्जाम सारे बंद हो चुके हैं और बहुत सारा चीज़ क्या कहता है, जैसे जिनके भी यूनिवर्सिटी के एग्जाम थे उन सब सारे एग्जाम रोक दिए गए हैं। तो ये सब चीज़ें हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम हो रही है, पर मैं आपको सिर्फ कहूँगा, ज़्यादा मेरी भी बात ना सुने आप लोग, सिर्फ WHO की गाइडलाइंस को फॉलो करें और कुछ नहीं करना है। सबको घर में बैठना है, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना, भर दिन आप बैठ के व्हाट्सएप फॉरवर्डेड नहीं करना है, व्हाट्सएप मैसेज को फॉरवर्ड नहीं करना है, सिर्फ WHO की गाइडलाइंस WHO को फॉलो करना है और WHO की गाइडलाइंस को मानना है, ठीक है? चलिए, मैं आप लोगों को यह देख रहा था कि इधर जो है आप लोग सब अब बैठे हैं, तो ऑफलाइन सारी क्लासेज बंद है, तो ऑनलाइन क्लास के द्वारा आप लोगों को ज़्यादा फायदा हो सके, ठीक है? तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम जो है क्या कहते हैं, सारे बच्चे रीजनिंग जरूर पढ़ते हैं, ठीक है, बट वो रीजनिंग पर अभ्यास नहीं करते कि कितना स्कोर्स कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। तो मैंने सोचा सेट लाऊं रीजनिंग का मॉक टेस्ट। तो मैं आज रीजनिंग के 25 क्वेश्चन का मॉक टेस्ट लेके आ गया, ठीक है? 25 क्वेश्चन मैंने सेलेक्टेड कर लिए हैं रीजनिंग के, जो आप लोगों के CHSL CGL जैसे एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा CHSL का प्रीलिम्स, CGL का प्रीलिम्स या MTS का प्रीलिम्स बहुत हेल्पफुल होगा। NTPC में भी 40 क्वेश्चंस के अंदर ये सारे क्वेश्चन जरूर आप लोग को आएंगे। ग्रुप डी के भी क्वेश्चंस पे ये क्वेश्चन आप लोग को जरूर मिल सकते हैं, तो ठीक है? तो आप लोग के लिए बहुत हेल्पफुल सीरीज है, इसलिए आप लोग को पूरा का पूरा इसको देखना चाहिए, ठीक है? पूरा का पूरा अंत तक देखना चाहिए और आप लोग को अच्छे से समझना चाहिए कि इसमें क्या क्या कह रहा है, क्या क्या नहीं कह रहा है। तो आप लोगों को सोचना समझना है और अच्छे से फॉलो करना है और अच्छे से देखना है, क्वेश्चन को सुनना है, क्वेश्चन का जवाब देना है और आप लोग को बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। और देखिए, आप चेक कीजिए कि आपके कितने स्कोर्स जा रहे हैं और कितने स्कोर्स सही हो रहे हैं, ठीक है? ऐसा नहीं कि आप मान लीजिए कितना आप स्कोर कर पा रहे हैं, तो इससे आप लोगों का एक मिस हौसला बढ़ेगा कि आई विल स्कोर टू, मान लीजिए मुझे हो जाएगा कि मैं क्या कहता हूँ रीजनिंग में 25 में 225 स्कोर कर रहा हूँ, तो चलिए रीजनिंग मेरा क्लियर है, देन इस प्रकार से। फिर इसलिए आज़ादी आप लोग का यह सेट और यह जो है आप लोग को बहुत हेल्पफुल हो रहे वाला है, तो इस मॉक टेस्ट को आप एक बार लगा के देखिए कि क्या आप लोगों को कितना हेल्पफुल हो रहा है। और यदि हेल्पफुल हो रहा है और यदि इस प्रकार के और मॉक टेस्ट चाहते हैं, मान लीजिए तीन चार गलतियाँ हो रही है, तब तो मुझे और लगाना चाहिए, ठीक है? यदि चार गलती हो गया तब तो मेरा सिलेक्शन गया, रीजनिंग में ही यदि चार गलती हो गया, तीन गलती हो गया तो सिलेक्शन गया। इसलिए मुझे ये चीज़ कवर करना है कि मैं 25 में 25 स्कोर करना है। उसको स्कोर करने के लिए मुझे क्या करना होगा, तो मुझे सेट लगाना होगा। सेट लगाने के लिए मैं रीजनिंग के सेट्स लगातार मैं आप लोग को अपने चैनल पर प्रोवाइड कराऊंगा। यदि आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि सर मुझे इस प्रकार के सेट चाहिए, तो मैं प्रोवाइड कराऊंगा और आप लोग के लिए सेट आप लोग को रेगुलर मिलेगा, ठीक है? ज़्यादा बकवास नहीं करता हूँ, इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड अपने व्हाट्सएप एंड फेसबुक ग्रुप में जहाँ भी शेयर करने का मौका मिलता है शेयर कर दीजिएगा। यदि यह वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल होगा तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, ठीक है? ताकि मैं आप लोग के लिए इस प्रकार की सेट ला सकूं और आप लोगों को करवा सकूं, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। समान बुद्धिमत्ता आप लोग जानते हैं रीजनिंग है, ठीक है? तो आप लोग चलिए स्टार्ट कर देते हैं। दिए गए विकल्पों में संबंधित अक्षर शब्द संख्या को चुनिए, ठीक है? अब इसमें से कह रहा है कि इसके विकल्प जो है क्या क्या होगा, हाथी, गजदंत, तोता क्या होगा, पंख पक्षी होगा, पंख होगा, चोंच होगा, मेरुदंड होगा। तो आप लोग को जवाब देना है, तोता क्या होगा, तोता जो भी होगा आप लोग को जवाब देना है। आप लोग, मैंने आंसर भी साथ में लिख के रखा हुआ है। और तोता जो है जिस तरह गजदंत हाथी के मुंह से बाहर निकला हुए लंबे दांत को कहते हैं, उसे चोंच पक्षी के मुंह का करा नुकीला या वक्र भाग होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर चोंच होगा, जो कि आप लोग बहुत बच्चों को पता होगा और देखते के साथ ही बहुत बच्चों ने सोच लिया होगा कि चोंच होगा, ठीक है? चलिए हम लोग दूसरे नंबर के क्वेश्चन पर आ जाते हैं, ठीक है? तो क्या कह रहा है, ए बी और फिर यहाँ पे एल दिया हुआ है, तो बी सी का क्या होगा? तो ए बी का एल दिया है तो बी सी का क्या होगा? अभी बहुत सारे बच्चों ने सोच लिया होगा कि क्या होगा, जो बहुत सारे बच्चे नहीं सोच पाए हैं, तो चलिए मैं उनके लिए आंसर आप लोग को
बता पाता हूँ। यदि आप लोग सोच रहे हैं तो सोचिए, मैं कुछ समय भी दे रहा हूँ आप लोग को, देखिए कि आप लोग इसका आंसर क्या होगा। ए बी का एल है तो बी सी का क्या होगा, तो बी सी का क्या होगा आप लोग देखिए। ठीक है, चलिए मैं आप लोगों को अब आंसर पढ़ लेके आता हूँ, ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना बने और आप लोगों को ज़्यादा तकलीफ ना हो। ठीक है, जैसे ए ए का क्या है, 1 है, एल 12 12, बी का 2 है, तो उसी प्रकार बी बी का 2 है और फिर सी का 3 है, तो 2 3 20 होगा, तो 23 होगा। तो जो भी लगा रहे हैं सेट्स, उन्हें तो पक्का यह चीज़ जो है दिमाग में बैठ जाता है कि ये चीज़ कर रहा है। देख लो, ए बी का एल दिया है, जब भी सबसे पहले याद होगा, यदि आप लोग यदि बनाते होंगे तो, या यदि आप लोग को याद होगा ए का 1 बी का 2, इस प्रकार से इसे इजोटी, तो ठीक है, इस प्रकार से दिमाग में लोगों को रहता है इजोटी। जैसे ही आप याद कीजिएगा, जैसे 100 200 बना लीजिएगा, तो आपको फिर ये वाला तो आप लोगों का भी दिक्कत नहीं होता। 5 10 ठीक है, 15 20 25 कितने नंबर पर क्या है, तो वो चीज़ दिक्कत नहीं होता। ठीक है, जैसे तो ए बी, ए का 1 होता है, बी का 2 होता है, एल का 12 होता है। ठीक है, तो बी का क्या है, बी का 2 है, सी का 3 है, तो 23 23 में अब क्या होगा, 23 में क्या होगा, ये दिमाग में रखना है। तो ठीक है, तो आप लोग जिस प्रकार से ये चीज़ दे दिया, 23 23 का दिमाग में क्या रखना, डब्ल्यू 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 क्या होगा, तो आंसर ये होगा। ठीक है, 2 का 4, तो 2 का 4 होगा आंसर। आप लोग ठीक है देख रहे थे, यदि अच्छे से देख रहे तो ठीक है, देखिए नहीं देखना है तो फिर से देख लीजिए, 2 का 4 W। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो आप लोग क्वेश्चंस को देख के आंसर बनाने का कोशिश कीजिए। ठीक है, मुझे तो पता ही है, मैं बता दूं, और मैं आंसर इसलिए मैं आंसर भी प्रिंट करके लाया हूँ कि आप लोगों को समय मिले, आप लोग बोल सके। ठीक है, यहाँ पे 8 का 62, तो 9 का क्या हो जाएगा, तो 9 का क्या हो जाएगा, वो दिमाग में लगाना है। सब देखते के साथ आंसर आ गया होगा, दिमाग में तुरंत आ गया होगा। यदि आप लोग ने थोड़ा सा भी रीजनिंग का बनाया है, अच्छे से मेहनत किया है, तो जरूर आंसर दिमाग में आ गया होगा। नहीं आया होगा तो चलिए हम लोग आंसर पे आते हैं, आंसर को देखते हैं क्या क्या आंसर दिया गया है। चलिए, 8 का क्या है, 64 - 2 62, तो 9 का क्या हो जाएगा, 81 - 2 79, तो 2 नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। 79 इसका राइट आंसर है, आप लोग को पता ही है 79 इसका राइट आंसर। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं कि क्या होगा आंसर। अब निर्देश दिया है कुछ, उसे चुनिए जो अंतिम विकल्प से भिन्न है। अब ऐसा विकल्प चुनना है जो हमको अंतिम से भिन्न है, यूरेनस जुपिटर प्लूटो सूर्य। अब इसमें से आप लोग को दिमाग लगाना है कि ऐसा क्या विकल्प जो भिन्न है, तो भिन्न जो है वो तुरंत दिमाग में आ गया होगा जो भी बच्चे हैं, यानी विषम चुनना है। इसमें क्या विषम है, क्या हटके है, जो चीज़ इस तीनों से नहीं जुड़ा हुआ वो चीज़ क्या है जो हटके है, आप लोग को वो बताना है। ठीक है, तो सूर्य एक तारा है, जबकि यूरेनस प्लूटो एवं जुपिटर एक ग्रह है। आप लोग को तुरंत दिमाग में आ गया होगा जो भी बच्चे पढ़ेंगे। नोट, प्लूटो को अपग्रह नहीं माना जाता, इसे पोल्यूटाइड्स के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है, आप लोग को बता दिया। तो मैंने सारे क्वेश्चन और आंसर दोनों दोनों जो है सब कुछ रखा हुआ है, तो अच्छे से आप लोग को दिमाग में रखना है। अब इसमें क्या विषम है, 12 का 48, 18 का 53 और 16 का 64, 14 का 56, तो आप लोग दिमाग में तुरंत देखते कि साथ आ गया होगा कि क्या इसका विषम इसमें जा रहा है, इसमें क्या विषम जा रहा है, तुरंत दिमाग 12 का 48, 16 का 64, 14 का 56, तो 2 नंबर का क्या होगा इसका राइट आंसर। आप लोग जल्दी बताइए क्या होगा इसका आंसर, और यदि नहीं दिमाग में आ रहा है तो ये देखिए इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, 12 का 48, 16 4 का 64 और 14 4 का 56, 18 3 का 54, ये गड़बड़ा दिया, तो इसका 2 नंबर आंसर होगा। आप लोग देखते के साथ पता पकड़ लिए होंगे, नहीं पकड़ पाए होंगे तो आपकी गलती है कि क्या होगा। अब इसमें क्या विषम छांटना है, एल आर ओ सी जे जे एस जेड डब्ल्यू पी डब्ल्यू टू, 1 नंबर में ऑप्शन में है एल आर ओ सी जे जे सी जे जी एस जेड डब्ल्यू पी डब्ल्यू टी। ठीक है, तो आप लोग दिमाग में थोड़ा सोचिए, सोचने का मैं वक्त दे रहा हूँ, सोचिए इसका राइट आंसर क्या होगा, और राइट आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। ठीक है, यदि नहीं हो पा रहा है तो चलिए हम आगे बताते हैं आप लोग को कि इसका राइट आंसर क्या होगा। एल है, एल है, तो आप लोग दिमाग में देख रहे हैं एम एन ओ पी क्यू आर, ठीक है, कहाँ तक जा रहा है, फिर आर से कहाँ तक जा रहा है, तो आप लोग दिमाग में इस चीज़ को जोड़ रहे हैं, यदि तो ठीक है, नहीं जोड़ रहे हैं तो आप लोग फिर तो एल एम एन ओ जा रहा है, फिर पी क्यू आर जा रहा है, तो सी डी ई एफ जा रहा है, फिर जी एच आई जे जा रहा है, तो डी ई एफ एच आई जी एच आई जा रहा था, तो एस क्या जा रहा है, टी यू वी डब्ल्यू, टी यू वी डब्ल्यू चौथे अक्षर पे जा रहा है, डी ई एफ जी जा रहा था चौथे अक्षर पर, एच आई जे, तो डब्ल्यू के बाद एक्स वाई जेड तीसरे अक्षर पे जा रहा था, एच आई जे तीसरे अक्षर पे जा रहा था, पी है तो पी है तो पी का क्या जा रहा है, क्यू आर एस टी जा रहा है चौथे अक्षर पे, और फिर यू वी डब्ल्यू जा रहा है, यू वी डब्ल्यू तीसरे अक्षर पे जा रहा है, तो इसका आंसर जो एल एम एन ओ तीसरे अक्षर पे ही चल जाता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। आप लोग ने आप तो जरूर दिमाग में ले लिया होगा कि 1 नंबर इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, तो आप लोग दिमाग में देख लीजिए। ठीक है, तो क्या एल जो है -3 है और आर जो है +6 है। ठीक है, तो ओ ये जो चीज़ आप लोग देख रहे हैं, आर एल से आर +6 है और आर जो है -3 है ओ का। ठीक है,
मैंने भी इसी तरह दे दिया, मैंने इस तरह से मिलान किया था आप लोगों के लिए। कई प्रकार की एक रीजनिंग को बनाने के कई ट्रिक होते हैं। एल से ओ ठीक है, +3 ठीक, MNO ठीक, पर सी से जे +4 ठीक, +4, DEFG +4, इससे भी एस से डब्लू, STUVW +4, पी से टी, QRST +4। तो आपका यहीं पे ये रॉन्ग हो जाता है, यहीं पे ये रॉन्ग हो जाता है। तो सबको अपने अपने तरीके से रीजनिंग बनानी होती है। तो ठीक है, तो इस प्रकार से इसने भी बताया है, ये भी सही है। तो जिस प्रकार से आप लोग को इजी लगे बनाने के लिए, वो इस प्रकार से आप बना सकते हैं। निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश में आने वाले क्रम के अनुसार लिखें। अब कह रहा है शब्दकोश में शब्द क्रम के अनुसार जो भी शब्द आता है, उस क्रम के अनुसार हमको इसको लिखना है, उस क्रम के अनुसार हमको इसका राइट आंसर देना है। ग्लोब, ग्रुप, ग्लीच, गैप और ग्लेट दिया हुआ है। तो जी से जो होता है, सबसे पहले पहले वाला क्रम क्या होगा मेरा अभी, तो सबसे पहले वाला क्रम पे हम लोग ध्यान देंगे। सबसे पहले वाला क्रम गैप, तो जी ए सबसे पहले आएगा, उसके बाद आएगा एल ठीक है, तो जी ए, उसके बाद आएगा जी एल ए, तो 4 के बाद आएगा 5, ये वाला सबसे पहले आएगा, ये वाला 4 नंबर, उसके बाद आएगा ये वाला ठीक है, ए वाला, ए के बाद क्या होता है, आई होता है, तब जे के एल एम एन ओ होता है, तो फिर उसके बाद आएगा ये 4 5 3, फिर उसके बाद आएगा ओ वाला, तो ओ तो ठीक है, उसके बाद आएगा आपको बी वाला, तो 1 आएगा, 4 5 3 1 ठीक है, फिर आप लोग को आएगा 2, तो 4 5 3 1 2 इसका राइट आंसर होगा 4 नंबर ठीक है। चलिए आप लोग को यहाँ पे देख ही लीजिए कि शब्दकोश के अनुसार इसका राइट आंसर 4 नंबर वाला होगा। तो मैंने आप लोग को बता दिया, ये डिक्शनरी के शब्द के अनुसार काम करता है। डिक्शनरी में जिस प्रकार से, जैसे ए बी सी डी, कभी आपने डिक्शनरी, वो डिक्शनरी देखी होगी कि शब्दकोश का इंग्लिश ही होता है, हिंदी होता है, डिक्शनरी का हिंदी शब्दकोश होता है। तो सबसे पहले क्या आएगा, तो जी के बाद सबसे पहले जी के साथ ए है तो ए वाला आएगा, फिर जी के एल वाला लेंगे, जी एल वाला दे दिए, फिर उसमें जी एल ए आएगा तो ए वाला दिए, फिर जी एल आई वाला दिए, फिर जी एल ओ वाला दिए, फिर हमने जी आर ओ यू यू वाला दिया, यहाँ पे जी एल ओ बी वाला पहले दिया, फिर जी आर ओ यू वाला दिया। तो इस प्रकार से मैंने पकड़ा और ये राइट आंसर इस प्रकार से मैंने किया इसका ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। नहीं समझ में आ रहा तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और यदि वीडियो अभी तक अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। मज़ेदार वीडियो इस प्रकार की आप लोग को रेगुलर मिलती रहेगी मेरे चैनल पर, और आप लोग को खूब इंजॉय कराया जाएगा ठीक है। प्रश्न में एक अनुक्रम दिया गया जिसमें एक संख्या, पद संख्या, अक्षर लुप्त है, दिए गए विकल्प में से सही विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करे। बी डी एफ एच जे एल एन पी, अब एन पी के आगे क्या होगा, दिमाग में ये चीज रखना है और नहीं रखना है तो दिमाग में आ गया। बी से 4 एफ, एफ से 4 जे, जे से 4 एन, एन से 4 आर, अब डी से 4 एच, एच से 4 एल, एल से 4 पी, पी से 4 टी ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चित्र में एक महिला की ओर संकेत संकेत करते हुए विजय ने कहा, वह मेरे भाई की बहन के पिता की पुत्री है। चित्र की महिला का विजय के साथ क्या संबंध है? तो चित्र की महिला के साथ उसने क्या कहा, चित्र की एक महिला की ओर संकेत किया ठीक है, और कहा वह मेरे भाई की, भाई की बहन ठीक है, भाई की बहन यानी उसकी भी बहन, बहन के पिता यानी कि भाई की बहन, बहन के पिता यानी कि बहन के पिता क्या, तो बहन के पिता जो हुए तो बहन के पिता यानी उसके उसके भी पापा हुए ठीक, कि पुत्री है यानी कि उसकी भी बहन है ठीक है। तो क्या है, चित्र की महिला का विजय, चित्र की महिला का विजय के साथ क्या संबंध था? तो चित्र की महिला विजय की कौन थी, बहन थी। तो आप लोग को दिमाग में इस प्रकार से जोड़ना है कि चित्र की महिला विजय की बहन थी। तो इस प्रकार से बहुत सिंपल ट्रेनिंग था और आप लोग को जब दिमाग में आ जाना चाहिए था। श्रृंखला में कौन सी संख्या गलत है, श्रृंखला में अब इसमें कह रहा है कि कौन सी संख्या गलत है, तो अब क्या क्या इसमें हम लोग खोज सकते हैं गलत, और किस प्रकार से इसका गलत है, तो उसका किस प्रकार से इसका राइट आंसर होगा, चलिए हम लोग आगे देख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है। तो 5 11 23 47 96, अब इसमें से कह रहा है गलत क्या क्या है, तो 47 23 11 96, अब इनमें से एक गलत है जो कि क्या गलत है, तो हमको दिमाग में रखना है। 5 2 जा 10 और 1 11, 11 2 जा 22 21 3 ठीक है। अब यहाँ पे 23 2 जा 23 into 2 कितना हुआ, 46, 46 प्लस 1 47, 47 इंटू 2 यानी 94, 94 प्लस 2 96, तो उसमें 96 गलत है, 10 का 3 नंबर हो जाएगा आप लोगों को ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए 10 का 96 जो यहाँ पे दिया गलत है, यहाँ पे 95 होता इसलिए ऐसा इसका आंसर दिया गया। चलिए हम लोग वहाँ पे 11 नंबर में कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए गए थे, मैं इंस्ट्रक्शन पहले ही पढ़ लेता हूँ कि क्या इंस्ट्रक्शन है, इस इंस्ट्रक्शन को ध्यान में रख लीजिए। विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता, यानी दिए गए शब्द चुनना है जो अक्षरों का शब्द के प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। कुछ विकल्प दिए गए हैं उनको देखना है कि इसका शब्द का प्रयोग करके अक्षर नहीं बनाया जा सकता। अब मान लीजिए रीजनेबल है, यहाँ पे
रीजनेबल में से नॉबल निकाल लिया जाएगा, बोन्स BONES। अब इसमें ऐसा एक शब्द खींचना जो कि इसके बीच में है ही नहीं, इसके बीच में जो शब्द नहीं होगा, जैसे मान लीजिए ब्रेन दिया, तो इसमें कहीं भी देखिए रीजनेबल में हम लोग को आई नहीं है और इसमें ब्रेन दे दिया, BRAIN कभी भी बन पाएगा। अब एन इसमें आई है ही नहीं इस वर्ड में रीजनेबल में, तो हम लोग को कहाँ से हम आई लाएंगे। तो आई इस क्वेश्चन का जो है ब्रेन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। देखते के साथ आंसर क्लिक कर जाए तो समझ लो रीजनिंग बनाना सीख गए। तो ब्रेन जो है दिए गए शब्द में आई वर्ड नहीं है, तो इस क्वेश्चन का राइट जो आंसर होगा ब्रेन हो जाएगा, तो वही चीज़ लिखा हुआ है। तो चलिए एक विशिष्ट कोड भाषा में मैच को NYWYM लिखा जाता है तथा बोर्ड को CMDNI लिखा जाता है, तो इस कोड में प्रिंट को किस प्रकार लिखा जाएगा। मैच को ठीक है, तो मैच को क्या लिखा जाता है, M का N, A का उल्टा होता है। आप लोग को इस प्रकार से देखते हैं हम कि उल्टा पुल्टा करके तो कहीं नहीं दिया है, यदि दिया है तो फिर उस प्रकार से हम लोग सोचे जाएंगे कि क्या क्या हुआ है। ठीक है, तो माइनस एम का एन यानी प्लस वन ठीक किया, ए का वाई यानी कि माइनस थ्री किया, ठीक ए का जेड होता है उल्टा, तो जेड और जेड माइनस यानी माइनस टू किया, ठीक प्लस वन माइनस टू। डब्लू का TUBW यानी प्लस जो है थ्री, ठीक माइनस टू प्लस थ्री, अच्छा वन प्लस माइनस टू प्लस थ्री, अब माइनस फोर होगा। तो सी का बी एक माइनस, फिर ए दो माइनस, जेड तीन माइनस, अच्छा इस प्रकार से ले गया है। तो ठीक है, तो पी का अब एक प्लस में लेना है, एक प्लस में लेना है तो हमको क्या लेना होगा, जैसे एम का एन लिया गया, बी का सी ले गया, तो पी का एक प्लस में लेना होगा क्यू, जो कि सीधे चार नंबर ऑप्शन में, और मेरा चार नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाता है। ज़्यादा दिमाग नहीं लगाते हुए हम सीधा सीधी चार नंबर आंसर पर टिक कर देंगे। इतनी ज़्यादा यहाँ पे बकवास लिखी हुई, उतने बकवास को फॉलो नहीं करना है। आपने बनाया होगा तो इसका जरूर आप लोग को राइट आंसर मिल गया होगा। गारमेंट को कूट भाषा में 2026914 37 ये सब चीज़ लिखा जाता है। ठीक है, तो आप लोग को पता होगा, यदि नहीं पता है तो यहाँ पर ध्यान से देखिए किस प्रकार से किस चीज़ को लिखा गया है। ठीक है, जी का जो भी हो अपना इस सब प्रकार से, इस प्रकार से लिखा गया है, तो आप लोग को दिमाग में इसको रखते जाना है। ठीक है, तो सब कुछ दिमाग में रखना है कि किस प्रकार से क्या चीज़ कौन सा लिखा गया है और क्या क्या किया गया है। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक, गारमेंट को क्या किया है, ये सब इस प्रकार से गारमेंट को इतना लिखा है और इन डूज कैसे लिखा जाएगा। तो अब क्या बोला, गारमेंट GARMENT गारमेंट को लिखा 20269142217। ठीक, गारमेंट है और गारमेंट को लिखा इस प्रकार से, टी का 20 होता है, ठीक है एन का ध्यान में रखना होगा कि किस प्रकार से क्या चीज़ किया गया है। तो एन का जो है, चलिए हम लोग थोड़ा सा इसके आंसर्स को देख लेते हैं। ठीक है, जी का 27 में से 1 को माइनस कर दिया है, तो 27 में 20, और ए में से 27 में से 1 को माइनस कर दिया है तो 26, और फिर आर के 27 में से 18 को माइनस कर दिया है तो 19। ठीक है, इस प्रकार से ये कुछ माइनस किया गया है, तो मैं इस चीज़ को देख लेता हूँ कि इस प्रकार से इसके माइनस किए गए हैं। तो जी का जो माइनस है वो आप लोग को 20 है। थोड़ी सी साउंड आ रही है तो मैं अभी थोड़ा एक मिनट ब्रेक ले रहा हूँ। ठीक है, तो आप लोग को ये गारमेंट कुकुट भाषा में जो 20269142237 लिखा जाता है, तो उसी भाषा में अब क्या बोल रहा है, इंडिविजुअल्स को कैसे लिखा जाएगा। ठीक है, तो हम लोगों ने आंसर में भी तुरंत देखा था नीचे में कि सब में से क्या किया गया है, जैसे 27 में से सबको घटा दिया गया, जी में से 27 में से 7 घटाया तो 20 किया है, और ए में से 27 में से 1 घटाया तो 26 किया हुआ। आप लोग इस रीजनिंग पे जरूर फंस गए होंगे, तो आप लोग को जो दिमाग में नहीं याद आ रहा होगा तो आप लोग दिमाग में तुरंत याद कीजिए। जैसे जी है, जी का हम लोग को 7 होता है, ठीक है जी का क्या होता है, जी का 7 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या क्या गया है, 27 में से 7 घटा दिया, ठीक तो 20 यहाँ पे लिख लिया इसका 20 जी का। ठीक, फिर ए का क्या होता है, 1 होता है, ठीक हमको पता है, तो इसमें क्या किया 27 में से 1 घटा लिया, क्या किया 26 लिख लिया। ठीक, उसी तरह आर, अब आर है, आर क्या होता है, आर का 18 होता है, ठीक 27 में से 18 को घटा लिया गया, क्या किया गया 27 में से 18 को घटा लिया गया, तो हमको हो गया आप लोग को 27 में से 18 घटा लिया तो हमको आ गया 9। ठीक, उसी प्रकार से M का क्या होता है, M का 13 होता है, M का क्या होता है, M का होता है 13, तो इस 27 में से 13 को घटा लिया गया तो फिर लिख दिया गया 14। ठीक है, तो और फिर क्या किया, उसी प्रकार से आप लोग को E का क्या किया गया, E का आप लोग को 27 में से 5 घटा लिया गया, 20 E का 5 होता है तो 27 में से 5 घटा लिया गया तो 20
टू हो गया, ठीक। अब उसी प्रकार से क्या किया गया आप लोग को, उसी प्रकार से आप लोग को क्या कहता है, एन एन का क्या किया गया, घटा लिया गया, एन का 14 होता है तो घटा लिया गया 27 में से, 27 में से 14 घटा लिया गया तो आप लोग को आ गया 13, 13 होता है, ठीक है। जैसे टी टी का कितना होता है, 20 होता है, तो आप लोग को क्या किया गया, 27 में से 20 घटा लिया गया तो 7, यहाँ पे 7 आ गया। अब इंडुलज इसका क्या होगा, तो इसमें क्या होगा, 27 है, 27 का जो है आप 9 घटा लिया गया, आई घटा लिया गया तो 9 घटा लिया गया तो 18 होगा, 18 होगा। 27 में से फिर एन 14 घटा लिया गया तो 13 होगा, फिर डी डी घटा लिया गया तो 27 में से डी घटा लिया गया तो 23 होगा, ठीक। 27 में से यू घटा लिया गया 21 तो 6 होगा, ठीक। 27 में से फिर एल घटा लिया गया 12 घटा लिया गया तो 15 होगा। 27 में से जी घटा लिया गया, जी 7 है तो 7 घटा लिया गया तो फिर 27 से 20 होगा, और फिर ई 27 में से घटा लिया गया तो 22 होगा। तो आप लोग दिमाग में इसका आंसर तो दिमाग में अभी आ गया होगा कि क्या क्या होगा। अब 27 में से जैसे मान लीजिए 9 घटा रहे हैं, 27 में से 9 घटा रहे तो हमको क्या आ रहा है, 18 आ रहा है, ठीक। 18 आ रहा है, 18 आ रहा है, 13 आ रहा है, फिर नीचे वाला देखिए जैसे ऑप्शन में 27 में से 14 घटा रहे तो 13 आ रहा है, 27 में से फिर हम डी 4 घटाए तो 23 आ रहा है, जो कि मेरे 4 नंबर ऑप्शन में, तो 4 नंबर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से लुप्त अंक को चुनना है हमको, ठीक है। तो लुप्त अंक दिए गए 7, 19, 42 दिया गया है, ठीक है, और 87 दिया गया, ठीक। तो यहाँ पे हम लोग दिमाग में ये चीज़ देख रहे हैं, तो 7 × 14 + 5 = 19, ठीक। 19 × 38 = 38, 38 + 4 = 42, 42 × 84 + 3 = 87। तो 87 × और प्लस उसमें 2 जोड़ना होगा, ये तो क्रम में आ रहा है, तो क्रम में आ रहा है तो आप लोग को दिमाग में अच्छा आंसर दिया होगा। मैं आगे आंसर पे ही आ जाता हूँ, 7 × 14 = 5 = 19, ठीक है, और 19 × 38 + 4 = 42, 42 × 84 + 3 = 87। इसके आगे आंसर नहीं लिखा हुआ, तो इसके आगे होगा, इसके आगे का टर्म जो होगा ये होगा 87 × 2 + 2 कितना होगा, तो आप लोग को 176, ठीक है, 176 होगा, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। 87 × 2 + 2 जो कि 176 हमको कितने नंबर में दिया हुआ ऑप्शन में, तो हम लोग को 2 नंबर ऑप्शन में दिया, तो 2 नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। यदि प्लस का अर्थ भाग, गुणा का अर्थ जोड़, ठीक है, और जोड़ का अर्थ घटाओ, और घटाओ का अर्थ गुणा दिया है, तो हम लोगों को ये कैलकुलेशन दिया है, और इस कैलकुलेशन का राइट आंसर क्या होगा। आप लोग कैलकुलेशन देख लीजिए, 54 प्लस का अर्थ दिया हुआ है भाग 162, 54/162 हो जाता है, आप लोग को बन के कुछ इस प्रकार से आ जाता है आंसर, यहाँ पे लिखा होगा 54/162 × 18 हो जाता है, ठीक है, क्योंकि गुणा का हम लोगों को नहीं दिया गया है, प्लस का भागा, गुणा का दिया हुआ है प्लस, ठीक है, तो 18 × 12, ठीक, अब 54/162 हो गया, फिर माइनस दिया, माइनस का गुणा हो गया है, तो माइनस का गुणा हम लोग को कर लेना है, माइनस का गुणा हो जाएगा तो माइनस का क्या हो जाएगा गुणा, तो 162 × 18 कर देना है, फिर इधर प्लस प्लस हो जाएगा, तो प्लस करके हमको क्या करना है, 12 कर देना है, प्लस करके 12 करना है, 12 करने के बाद हमको आ जाएगा, फिर माइनस करना है डिवाइड का माइनस करना है, और माइनस 6 लिखना है, तो यहाँ पे 54/162 × 18 + 12 - 6 आ जाएगा। तो अब इसको सॉल्व करेंगे, कितने सॉल्व करेंगे तो क्या इसका राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर जो होगा 54 से अभी 162 आ गया, तो इसमें से क्या क्या इसका राइट आंसर होगा, ठीक। आप लोग दिमाग में यदि नहीं कुछ जोड़ रहे होंगे तो 18 × 162 = 9 × 54 = 6 आ गया, ठीक। तो यहाँ पे सीधा सीधे दिमाग में आ गया 6 + 12 - 6 18 × 162 = 9 × 54 तो 6 + 12 - 6 यानी ये छः कट गया, तो क्या आंसर हो गया 12 + 6 - 6 चला गया, तो 12 आंसर हो गया। दिमाग में सब क्वेश्चंस का आंसर यहीं पे रहता है, आप लोग को ध्यान से देखना होता है। तो दिए गए शब्द केवल एक समूह संख्या द्वारा दिए गए, जैसे जैसा कि केवल में विकल्पों में दर्शाया गया, किसी भी एक में से दिया गया विकल्पों में से दिए गए समूह अक्षरों को दो वर्गों में दर्शाया गया, जैसे कि नीचे दिए गए दो, अच्छा दो आव्यूह में दर्शाया गया है, आप लोग को उसमें चूज करना होता है कि कौन से आव्यूह में, आव्यूह एक में स्तंभ और पंक्ति 0 और 4 है, आव्यूह दो में 5 से 9 है, इन आव्यूह में से एक अक्षर को पहले उसकी पंक्ति और स्तंभ द्वारा दर्शाया जा सकता है, उदाहरण के लिए Q 10 34 आदि द्वारा दर्शाया जा सकता है, B 86 79 द्वारा आदि द्वारा दर्शाया जा सकता है। इसी तरह आपके प्रश्न के द्वारा स्टार के लिए समूह को पहचानना है, स्टार के लिए, अब स्टार के लिए कौन सा समूह होगा, स्टार यानी S, ठीक, दो आव्यूह दिया हुआ, दोनों आव्यूह को हमको क्रॉस करके देखना होगा कि अब स्टार के लिए कौन सा समूह हमको इसमें बनेगा, ठीक है, कौन सा इसका राइट आंसर बनेगा, ठीक है, इसका राइट आंसर क्या बनेगा तो हमको देखना है अभी स्टार के लिए, ठीक, तो स्टार के लिए देखना है, तो अभी क्या है S, ठीक,
अब एस कहाँ कहाँ है दिमाग में रखना है, एस कहाँ कहाँ है। एक एस यहाँ पे, इसमें तो एस नहीं मिलेगा आपको, एस ऊपर वाले में ही मिलेगा, एस पी क्यू आर वाला समूह है, तो एस यहाँ पे है, एस है इसमें, एस है एक यहाँ, एस है, तो यानी कि एक जा रहा है एक एक, यानी 11, ठीक। एक क्या जा रहा है 11, और एक जा रहा है 04। एक क्या जा रहा है 0, यहाँ से इसमें 0 वाला आ रहा है, और 4 नंबर पे एस, ठीक। तो यहाँ पे ये 04 पे एक एस जा रहा है, एक जा रहा है एक, और एक और एक पे जा रहा है, ठीक है, एक 04 पे जा रहा है। तो सबको दिमाग में, यहाँ पे एक 04 पे एस जा रहा है, तो आप लोगों को दिमाग में रखना है कि कैसे कैसे क्या क्या जा रहा है, ठीक है। तो जहाँ जहाँ जा रहा है आप लोगों को दिमाग में रखते जाना है। फिर 04 पे जा रहा है, और फिर किस पे जा रहा है, 11 पे जा रहा है, ठीक है। तो आप लोग को दिमाग में रखना है कि टी टी किस पे जा रहा है, तो टी जा रहा है 0। एस देखिए किस किस पे जा रहा है, एस जा रहा है आप लोग को, मैं इसमें चूज करके, अच्छा इसका आंसर दिया होगा, आंसर पे ही मैं आ जाता हूँ, ज़्यादातर बकवास नहीं करते। एस दिया है 04 पे, आप लोग यदि आप को गौर करके देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, मैंने आप को क्लोज कर दिया है, आप लोग गौर करके देख लीजिए कहाँ कहाँ जा रहा है एस। तो यहाँ पे मैं आंसर में दे दिया, एस 04 पे जा रहा है, 11 पे जा रहा है, 23 पे जा रहा है, 30 पे जा रहा है, 42 पे, टी 02 पे जा रहा है, 14 पे जा रहा है, 21 पे जा रहा है, और यहाँ पे जा रहा है। तो इस प्रकार से विकल्प स्टार का जो है बन जाता है, किस प्रकार से, तो विकल्प स्टार का जो बन जाता है वो बन जाता है आप लोग को, जैसे हम लोग के ऑप्शन में है कि एस टी ए आर, तो 42038913 जा रहा था, ठीक है। तो जो कि हम लोगों के, जो कि हम लोगों के ऑप्शंस में जो है वो क्या दिया हुआ है, तो उस प्रकार से हम लोगों को देखना है कि कहाँ कहाँ क्या क्या जा रहा है। तो अभी 4 नंबर हम लोग में 42038933, तो 42038933 जा रहा है। सेकंड नंबर ऑप्शन में है 1140 और 6502, और थर्ड नंबर ऑप्शन में 04329633, और थर्ड नंबर ऑप्शन में 302177 और 44। ये चारों ऑप्शन में हम लोग को दिए गए हैं, ये चारों मेरे ऑप्शन है, इस ऑप्शन से हमको काटना है कि कौन सा किस में है। तो अब एस देख रहे हैं, एस जो है मान लीजिए अभी 42 में 42 नंबर है, चलिए टी T03 नहीं है, कट गया यहाँ पे, 11 एस है, टी जो है आप लोग को 40 है, पर ए जो है आप लोग को 65 है, बट 02 नहीं है इसमें, तो यानी ये भी कट गया, ये भी कट गया। आपको बचा ये 04, यानी तीन नंबर वाला ऑप्शन में क्या है, 04 है, ठीक आप लोग को। और फिर टी जो है आप लोग को 32 नंबर पे है, हम लोग को टी में 32 नहीं है, आप लोग को ये भी कट गया। चलिए अब ये वाला चौथा ऑप्शन देखते हैं, 3021, तो एस जो है 30, ये रहा एस जो है 30 ये रहा ऑप्शन से, T21 ये रहा ऑप्शन से, 77 ए जो है 77 नंबर पर ये रहा, और R 44। यदि आप लोग ये नहीं समझ रहे कि ये कहाँ से आया हुआ है, तो ये जो है ये इसी आव्यूह से लिया गया है, ये इसी आव्यूह से लिया गया है, जिस प्रकार से, इस प्रकार से एक स्तंभ और एक रो से 04 करके 0 जा रहा है और 4 जा रहा है एस, ठीक। 0 जैसे इस रो से जा रहा है ना, 04 एस यहाँ पे है, ठीक, जैसे 11 एस यहाँ पे है, तो इसी तरह से हमने 04 11 यहाँ जो लिखा है 04 11, तो उसी प्रकार से मैंने इसको लिखा है एस टी ए आर, इसी प्रकार से इसमें लिखा जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चार छात्र ABCD एक वर्ग के चार कोने में बैठे हैं, हर कोने में एक और सभी मुख वर्ग के केंद्र ई की ओर बैठा है, तो केवल सी की ओर है, तो ई केंद्र की ओर है, केंद्र में बैठे छात्र ई का मुख केवल सी की ओर है, किसके ओर, केवल सी की ओर है, और छात्र जो है ए का मुख ई की पीठ की ओर है, ए का जो मुख है पीठ की ई की ओर है, और यदि डी ई के दाईं ओर बैठा है, डी जो है क्या है ई के दाईं ओर बैठा है, तो बी ई के किस ओर बैठा होगा, दिमाग लगाना है। अब सबसे पहले चार छात्र ABCD वर्ग, यानी सबसे पहले हम लोग को फिगर में ABCD बना, अच्छा इसका बना ही होगा, ज़्यादा दिमाग में नहीं लगा के यहाँ पे डायरेक्ट आ जाता, ABCD फिगर बना हुआ है, ठीक है। ई जो है अब किधर बैठा है, हम क्वेश्चंस में क्या पूछ रहा है, बी ई के किस ओर बैठा है, यहाँ पे बोला सब कुछ देखिए, नियम सारा लागू हो रहा है, आप लोग इसको नियम को गौर देख सकते हैं, ई का केवल मुख सी की ओर है, ठीक है। और क्या कह रहा है, डी जो है ई के दाईं ओर बैठा है, डी जो है ई के दाईं ओर बैठा हुआ है, बी किधर बैठा है, तो बी जो है ई के किधर बैठा है, तो बी ई के बाईं ओर
आप लोग को वीडियो कैसा लगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा इस प्रकार की और वीडियो चाहिए या नहीं चाहिए, और वीडियो कैसा लग रहा है। आप लोग के लिए हेल्पफुल हो रहा है तभी मैं बनाऊंगा, नहीं तो फालतू का मुझे परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, और परेशान होकर मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो रही है सीरीज, तभी आप लोग बताइए। 18 नंबर के क्वेश्चन दिए गए हैं, प्रश्न दिए गए, कथनों में दो निष्कर्ष दिए गए हैं, तो आप समानता ज्ञात कीजिए, ज्ञात होने पर अंतर में से कथनों का पड़ताल सत्य समझकर आप तय करें कि क्या क्या निष्कर्ष है और क्या कथन दिया गया है। कथन एक में कोई बच्चे मतदाता नहीं है, तो सबसे पहले इसका दो गोला बन जाएगा, बच्चा और मतदाता बोल रहा है, तो कोई बच्चे मतदाता नहीं है, तो एक बच्चा ये हो गया और एक ये हो गया मतदाता, ठीक है। तो कोई बच्चा जो चाइल्ड वो मतदाता नहीं है, यानी वोटर नहीं है, वोटर नहीं है, ठीक, चाइल्ड और वोटर नहीं है। अच्छा, इसके आंसर्स भी दिए गए, तो मैं आंसर्स पे ही आ जाता हूँ। अच्छा, आंसर नहीं दिया गया है क्या, दिया गया है, हाँ। तो चाहे कोई बच्चे मतदाता नहीं है, तो यहाँ पे दो दो बना लिया गया है। तो चलिए हम लोग आ जाते हैं कैसे क्या करना है, ठीक है। तो कह रहा है कोई वयस्क मतदाता नहीं होते, कोई वयस्क जो है मतदाता नहीं होते, कोई बच्चे मतदाता नहीं होते, कोई बच्चे मतदाता नहीं होते, कथन दिया है, निष्कर्ष दिया, कोई वयस्क मतदाता नहीं होते, कोई बच्चे मतदाता, कोई मतदाता बच्चे नहीं होती, केवल निष्कर्ष दो निकलता है, केवल निष्कर्ष एक तथा दो निकलता है, ना तो निष्कर्ष एक निकलता है, कोई मतदाता बच्चे नहीं होते, तो ये दो नंबर का सही है, कोई व्यस्क मतदाता नहीं होता, ये तो गलत है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा, दिया गया कथन सर्वव्यापी नकारात्मक है, ई प्रकार है। तो चार निष्कर्ष दिए गए, निष्कर्ष केवल निष्कर्ष एक जो है, निष्कर्ष दो निकलता है, केवल निष्कर्ष एक दो निकलता है, ना तो निष्कर्ष एक निकलता है, ना तो निष्कर्ष दो निकलता है, तो अगर कोई मतदाता बच्चे नहीं होते हैं, यह निष्कर्ष दो है, निष्कर्ष दो जो है, अतः कोई मतदाता बच्चे नहीं होते हैं, यह निष्कर्ष दो इसका सही है। तो निम्नलिखित आरेख में कितने शिक्षित लोग नियुक्त हैं, तो निम्नलिखित आरेख दिया गया, आरेख में आप देखना है कितने लोग शिक्षित हैं, जो है शिक्षित लोग नियुक्त हैं, तो आरेख नियुक्त लोग का ये आरेख है सिंबल है, और पिछड़े लोग और शिक्षित लोग, शिक्षित लोग को पहले देखना है, शिक्षित लोग कौन वाला, ये वाला, और कितने शिक्षित लोग क्या कहा, नियुक्त है, कितने शिक्षित लोग नियुक्त हैं, तो आप लोगों के दिमाग में ये चीज ऐड करना है। तो नियुक्त जो है वो बड़ा वाला है, ठीक, तो ये तीन है और ये छः, यानी तीन प्लस छः नाइन लोग जो है वो नियुक्त है। चार नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा यहाँ पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नीचे एक घन की अवस्थाएं दर्शाई गई है और अक्षर बी के विपरीत फलक पर कौन सा क्षेत्र अक्षर आएगा, तो कौन सा क्षेत्र आएगा आप लोग तुरंत दिमाग में अटैच कर लीजिए। यहाँ पे दो फिगर दिया गया है, एक तीसरे फिगर पे है, क्यू देख रहे हैं कहाँ पे है, आप लोग देख रहे हैं कि वो एन जो है ऊपर में आ रहा है, क्यू के नीचे आ रहा है, और एन जो है बी के इस साइड में है, तो किस प्रकार से उसके क्या चल जाएगा, तो उसके कहाँ चल जाएगा, सीधे उसके ऊपर चल जाएगा। घन की दोनों और अवस्थाओं से घनों के पूर्णन गति की जानकारी मिलती है, अर्थात यह स्पष्ट करता है कि बी अक्षर के विपरीत फलक पर क्यों है। समझ में आ गया। 21 नंबर, निम्न आकृति पहचानिए, जो कि आकृति को पहचानना है जो वृक्ष पादप और मकान के बीच सही संबंध को दर्शाता है, तो वृक्ष पादप और मकान के बीच सही संबंध को दर्शाता है, तो वृक्ष और पादप एक जगह से जुड़ाव है और मकान से कोई जुड़ाव नहीं, यानी तीन नंबर का ऑप्शन जो है ये राइट होगा, ये जो है सही संबंध दर्शाता है, वृक्ष और पादप एक चीज है, मकान कोई इससे कोई उसका लेना देना नहीं है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो ये तीन नंबर होगा, ये तीन नंबर, दी गई आकृतियों में से उत्तर आकृति को चुनिए और जिससे प्रश्न आकृति निहित है, उत्तर आकृति को चुनना है जिससे प्रश्न आकृति निहित है, तो कौन सा उत्तर आकृति से प्रश्न आकृति निहित हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोगों को दिमाग में रखते जाना कि किसमें ये चीज पूरा का पूरा डाला हुआ है, तो ये हम लोग के ऑप्शन नंबर तीन में जो है, तीन में पूरा का पूरा मैच करता है, ये चीज पूरा पूरा डाला हुआ है। अच्छा, एक ही क्वेश्चन का इसका राइट आंसर कर दिया है 22 का। चलिए 23 का हम लोगों ने अब देखता है, इसका देखना है दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं, अब त्रिभुज इसमें कितने हैं, तो आप लोग को ये चीज देखना है, तो त्रिभुज इसमें कौन कौन, त्रिभुज इसमें कितने दिए गए हैं, उस चीज को हमको दर्शाना है कि कुल कितने त्रिभुज हैं, तो इसको हम लोग को चेक करना होगा। किस प्रकार से हम चेक करते हैं, यहाँ पे हम लगाते हैं ए, यहाँ बी, यहाँ सी, यहाँ पे डी, यहाँ पे ई, यहाँ पे हमको जैसे मान लीजिए, एक सेकेंड रुके मैं फिर से लगा देता हूँ, ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमको लगाना होगा। अच्छा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर दिया हुआ है, आंसर पे ही आ जाते हैं, आंसर पे डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, आंसर नहीं दिया क्या, दिया, चलिए 23 का आंसर यहाँ पे दिया हुआ है, ए बी सी डी इस प्रकार से है और इस प्रकार से इसका दिया हुआ है, टोटल 15 दिया होगा, आप लोग आंसर देख लीजिए और आप लोग आंसर देखकर
सकते हैं, तो दिमाग लगाकर आप लोग चेक कर सकते हैं। जहाँ पे भी आप लोग को ऐसा लगे कि मुझे अब ये क्वेश्चन बनाना, तो वीडियो को स्टॉप कर दीजिए, वहाँ पे क्वेश्चन को देखिए, सॉल्व कीजिए और अपने से आंसर निकालिए, फिर मेरे आंसर को आगे जाके देख लीजिए। दी गई आकृति की दर्पण छवि चुनिए प्रश्न आकृति। प्रश्न आकृति उत्तर आकृति जहाँ पे दिया गया है, इसका दर्पण छवि क्या होगा? ये इधर घुमा हुआ है, दर्पण छवि में किधर घूम जाएगा? दर्पण छवि में जो है ये उधर घूम जाएगा और दोनों तरफ खाली होना चाहिए। तो आप लोग को दिमाग में तुरंत आ गया होगा इसका राइट आंसर जो है क्या हो जाएगा। तो आप लोग सब देख रहे हैं कि लगभग तो खाली है, ये पूरा भरा हुआ नहीं है, इस प्रकार से जो आपको लग रहा है भरा हुआ नहीं है। और ये इधर वाला इधर आ जाएगा, तो जो कि हमको 24 के दो नंबर ऑप्शन में है, और ये इधर इधर घूम जाएगा, तो दो नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट है इसका, और उसके अलावा इसका कोई भी सही आंसर नहीं है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 25 नंबर, नीचे के प्रश्न में दिखाया गया अनुसार कागज को मोड़कर छेदने तथा खोलने के बाद वह किस प्रकार की आकृति जैसा दिखाई देगा? अब चाहे कागज को मोड़ना और छेदना है, ठीक है, तो किस प्रकार से उसकी आकृति दिखाई देगी, इस प्रकार से इसको देखना है। अब मान लीजिए किसी भी, मान लीजिए क्या कह रहे हैं, 20 से मोड़ने के लिए कह रहा है, तो यहाँ भी एक अवतल दर्पण लगा दीजिए, ठीक है, और यहाँ भी अवतल दर्पण लगा दीजिए। मान लीजिए इस प्रकार से ये मोड़ के कर रहा है, ठीक है, तो टोटल ये प्रकार का क्या कर रहा है कि ये कागज है उसको इस प्रकार से, ये ऐसा कागज बना हुआ है, ठीक है, तो उसको इस प्रकार से मोड़ रहा है। तो यहाँ अवतल दर्पण लगाते हैं, यहाँ भी अवतल दर्पण लगाते हैं, तो मान लीजिए ये है, ये यहाँ से मोड़ा, ठीक है, तो ये फैला, मान लीजिए ये भी ये यहाँ बना, ये जो है इस प्रकार इसमें आया, तो ये यहाँ यहाँ फैल गया, ये आपको यहाँ पे अवतल दर्पण लग गया, यहाँ पे अवतल दर्पण लग गया, दर्पण लगा दीजिए दोनों तरफ, मिरर लगा दीजिए जो, तो मिरर लगाने के बाद ये जो है इस साइड यहाँ भी फैल जाएगा, फैल जाएगा। अब फिर ये अब हॉरिजॉन्टल मिरर लग गया, तो आपको ये जो है ये एक और साइड अप में फैल जाएगा, क्योंकि तीन बार मोड़ा गया है, एक दो तीन, तीन बार टोटल मोड़ता है, तीनों बार हॉरिजॉन्टल मोड़ता है, एक पे ये ऐसा बना, फिर दूसरा ये ऐसा बना, और फिर ये तीसरा ऐसा बन जाएगा। तो यानी तीन जगह जो है ये आ जाएगा, एक यहाँ और एक यहाँ, तीन बार मोड़ा हुआ है तो तीनों बार इस प्रकार से आ जाएगा, जो कि इसके दो नंबर ऑप्शन में है। दो नंबर ऑप्शन में तीन बार लगाया हुआ है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल में देखिए तीन बार मोड़ रहा है, तीन बार जो है एक बार यहाँ आ रहा है, तो एक बार यहाँ आएगा, फिर ये फिगर यहाँ आएगा, तो तीन बार, तो ये कि आप लोगों को दो नंबर ऑप्शन में मिला हुआ है, दो नंबर इस क्वेश्चन का राइट होगा, आंसर होगा। आज के लिए बस इतना ही, आप लोग को ये सीरीज कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हेल्पफुल लगी हो, थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, वीडियो को पूरा पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं। आप लोग COVID-19 से बचकर रहें, WHO के इंस्ट्रक्शन को फॉलो करें, बी सेफ रहें, और आप लोग को यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को अपने व्हाट्सएप एंड फेसबुक ग्रुप में जरूर शेयर कर दें। इफ यू केयर मी यू शेयर मी, ये मेरा है स्लोगन, तो आप लोग इसको जरूर फॉलो करें। तो यदि आप लोग जो है थोड़ा सा भी होता है या शेयर करने से वीडियो ज़्यादा कुछ खराबी नहीं होती है, आप लोग शेयर कर दीजिएगा, दूसरे को भी शिक्षा मिल जाएगी और उससे भी आनंद आएगा और मुझे भी आनंद मिल जाएगा, ठीक है। आप लोग यदि कोई भी और चैप्टर पूरा मिस डिटेल से चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, मैं आप लोग को चैप्टर डिटेल से दूंगा। ओके भाई, मिलते हैं नेक्स्ट। जय हिंद।